हेलो फ्रेंड, मैं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के फिफ्थ लेसन, केमिस्ट्री फर्स्ट है ये, सेकंड नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इसके फिफ्थ लेसन जिसका नाम है पृष्ठ रसायन का एक दूसरा टॉपिक बताऊंगा। मैंने पहला टॉपिक जो है अधिशोषण पहले ही बता दिया था, इसकी डेफिनेशन अधिशोषण की चित्र सहित समझाया है, ठीक है। तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसी अधिशोषण का प्रकार कितना होता है, यानी कि मैंने आपको अधिशोषण की परिभाषा बताई, चित्र भी समझाया, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड एडसॉर्प्शन, ठीक है, तो टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो आज इसी पर हमारी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड, चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अधिशोषण जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब अधिशोष और अधिशोषक के बल, उन पर लगने वाले बलों के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। अब फ्रेंड, मैंने आपको अधिशोषण की परिभाषा तो पहले ही बता दी है, और अगर हम नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित या ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अधिशोषण, ठीक है। अब मैंने आपको अधिशोष और अधिशोषक भी बता दिया था। तो अधिशोष क्या होता है, जो सतह पर क्या होता है, अधिशोषित होता है, उसे अधिशोष कहते हैं। और अधिशोषक क्या होता है, जिस सतह पर अधिशोष से अधिशोषित होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक। तो इसमें अधिशोष से बहुत आएगा ये शब्द, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है फ्रेंड। फर्स्ट है भौतिक या वांडरवाल्स अधिशोषण। वांडरवाल्स एक बल है फ्रेंड, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो भौतिक या वांडरवाल्स अधिशोषण ये फर्स्ट है। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण, ठीक है। तो ये जो अधिशोषण के प्रकार थे कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक या वांडरवाल्स अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण, ठीक है। अब फ्रेंड, फर्स्ट पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब प्रकार बता दिया तो फर्स्ट इसका क्या है और इसका क्या वो डिफिनीशन होगा, तो इसको देखिए फ्रेंड। जो भौतिक अधिशोषण होता है, तो जब अधिशोषक की सतह पर, ठीक है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कर यानी कि अधिशोष के कण दुर्बल वांडरवाल्स बलों जैसे भौतिक बलों द्वारा बंधे होते हैं, यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण या वांडरवाल्स अधिशोषण कहलाता है। अब फ्रेंड, इसको समझना भी आपको जरूरी है, तो मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, ये एक क्या है, सतह है, देखिए ये एक सतह है, ठीक है। इसे कहेंगे फ्रेंड अधिशोषक, मतलब जिस सतह पर अधिशोषक। अब फ्रेंड, यहां से कुछ जो है कण है, ठीक है, कण है जो इससे क्या है, चिपके हुए हैं। देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जब अधिशोषक की सतह पर, ये अधिशोषक की सतह पर ना, जब अधिशोष के कण, ये जो अधिशोष के कण है ये है अधिशोष, ठीक है, अधिशोष के कण, ठीक है। तो देखिए, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण, ये जो कण है, वांडरवाल्स बलों द्वारा, वांडरवाल्स एक भौतिक बल है, तो वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है, भौतिक अधिशोषण। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इजी है। और जो दूसरा रासायनिक अधिशोषण है, उसमें क्या होंगे, रासायनिक बंध द्वारा बंधे होंगे, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि जब अधिशोषक, अधिशोषक क्या है, जिस सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण, ये अधिशोषक की सतह है, इस पर जब अधिशोष के कण किससे, दुर्बल वांडरवाल्स बल, यानी कि जो इन दोनों के बीच, इस सतह के बीच और इस कण के बीच जो नीचे बल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सा बल होगा, वांडरवाल्स, वांडरवाल्स, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था आपका क्या, भौतिक अधिशोषण। तो बहुत ही ईजी है, इसको फिर से समझिए। ये जो अधिशोषक है, इसकी सतह पर जब अधिशोष के कण दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होंगे, तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड, भौतिक अधिशोषण, ठीक है। तो ये था आपका भौतिक अधिशोषण। अब फ्रेंड, दूसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक अधिशोषण। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको भी समझिए फ्रेंड। रासायनिक अधिशोषण, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण रासायनिक बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण। फ्रेंड, इसका भी एग्जाम्पल देखिए, ये एक सतह है, ठीक है, इस पर इसे कहेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे कहेंगे अधिशोषक, क्या, अधिशोषक, ठीक है। अब इस पर जो ये अधिशोष के कण है, ये
रिसोर्स के जो कण है फ्रेंड इस सतह से, ठीक है, इस सतह से, ये जो सतह है इससे एक बल द्वारा बंधे होते हैं जिसका नाम है रासायनिक बल, ठीक है, रासायनिक बल। तो ये भी सिंपल है फ्रेंड, ये है अधिशोष्य के कण, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अवशोषण भी लगभग उसी प्रकार है लेकिन इसमें बल बदला हुआ है। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जब अधिशोषक की सतह पर, ये अधिशोषक की सतह है, इस पर अधिशोष्य के कण, ये अधिशोष्य के कण है, क्या है फ्रेंड, अधिशोष्य के कण, ठीक है। तो जब अधिशोषक की सतह पर, इसकी सतह पर अधिशोष्य के कण, ये जो कण हैं, ये रासायनिक बलों द्वारा बंधे होते हैं, ये जो बल है रासायनिक बल द्वारा बंधे होते हैं, ऐसे तमाम इसके अंदर होते हैं, ठीक है, बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है फ्रेंड, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है फ्रेंड। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या इन, ये दोनों बहुत सिंपल हैं। जैसे अधिशोषण का जो प्रकार है, ये अधिशोषण का प्रकार फिर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए ताकि आपके समझ में आ सके। तो फ्रेंड अधिशोषण का जो प्रकार है दो प्रकार का होता है, ठीक है, भौतिक अधिशोषण या वैन डर वाल्स अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। इसको बहुत ही अच्छे से समझते चलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, अब आप सिंपली क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ऐसे कहेंगे तो कह दीजिए, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य के कण किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, किस बल द्वारा, दुर्बल वैन डर वाल्स बल द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कण दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं तो यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण या वैन डर वाल्स अधिशोषण कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो था आपका भौतिक अधिशोषण। अब मैंने एग्जाम्पल की सहायता से बताया रासायनिक अधिशोषण क्या है फ्रेंड, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कण रासायनिक बलों द्वारा बंधे होते हैं तो यह प्रक्रम रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। तो फ्रेंड ये बहुत ईजी है, अब इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, तो इन दोनों को मैं सिंपली ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो भौतिक अधिशोषण में जो है अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, दुर्बल वैन डर वाल्स बल, और जो रासायनिक अधिशोषण में है इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कौन सा बल लगता है, रासायनिक बल, ठीक है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है फुल तो आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए अब हमारी आपकी से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो धन्यवाद।